हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने माइक्रोब्स का रोल देखा था बायो फर्टिलाइजर्स में. बेसिकली कि बायो फर्टिलाइजर्स में माइक्रोब्स जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं और कैसे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के इफेक्ट को रिड्यूस आउट करने में काम आते हैं. बेसिकली ठीक है, तो मैं बताया था कि जो बायो फर्टिलाइजर्स है उनके अंदर लिविंग माइक्रोबियल सेल्स है. ठीक है, तो माइक्रोबियल सेल्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवाती है. ठीक है, तो जो नाइट्रोजन हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू दे रहे थे, ठीक है, वो उस नाइट्रोजन को क्या है, वो माइक्रोब्स एटमॉस्फेयर से फिक्स करके भी प्लांट्स के लिए अवेलेबल करवा देते हैं बेसिकली. ठीक है, इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन. ठीक है, तो बायोगैस होता क्या है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, कौन कौन से माइक्रोब्स इसमें यूटिलाइज किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेकंड इज यूज ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन. ठीक है, बायोगैस का जो प्रोडक्शन है उसको हम डिफरेंट स्टेप्स में हम डिवाइड करेंगे. बस पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, इंट्रोडक्शन. ठीक है, सेकंड माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब्स है जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं. माइक्रोब्स विच प्रोड्यूसेस बायोगैस उसको मीथेन भी बोलते हैं, उसको गोबर गैस भी बोला जाएगा. नेक्स्ट, उसके बाद उसका इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस करेंगे. इंस्ट्रूमेंटेशन जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन यूटिलाइज होता है. ठीक है, उसके बाद माइक्रोबियल डाइजेशन हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब्स कैसे एनारोबिक डाइजेशन करने के बाद उस बायोगैस का प्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या एनारोबिक डाइजेशन, एनारोबिक डाइजेशन और बायोगैस प्रोडक्शन, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोगैस. जो बायोगैस है उसका सिग्निफिकेंस है क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोगैस. यस, ठीक है, वन बाय वन इन स्टेप्स. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. इंट्रोडक्शन में अगर देखें हम इंट्रोडक्शन देखें तो बायोगैस है क्या, एक बायोफ्यूल्स है विच इज प्रोड्यूस बाय द मीथेन गैस. बेसिकली या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बायोगैस इज द गैसियस फ्यूल which is produced by the methane process basically. On the basis of production, ठीक है, कि उसको कहाँ से प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस रीजन से प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको डिफरेंट नाम से हम जानेंगे basically. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्वयं गैस, मार्स गैस भी बोलते हैं, तो गोबर गैस भी बोला जाएगा बेसिकली. ठीक है, लैंडफिल गैस भी इसको बोला जाएगा. ठीक है, बायोगैस इज gaseous fuel is either which produced by methane gas. तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो मीथेन जेल्स. ऐसे बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब जो को मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं क्या, मीथेन जेल्स बेसिकली. ठीक है, दूसरा थिंग्स, इट इज ऑल्सो नॉन एज स्वयं गैस, लैंडफिल गैस मार
मार्स गैस किसको बोलते हैं? मार्स गैस किसको बोलते हैं बेसिकली? एंड गोवर गैस, इसको गोवर गैस भी बोलते हैं, गोवर गैस. डिपेंडिंग ऑन, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज प्रोड्यूस, वेयर इट इज प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस. कि वो कहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके बेसिस पे क्या उसको डिफरेंट नाम से जानते हैं. उसको स्वयं गैस भी बोलते हैं, उसको लैंडफिल गैस भी बोलते हैं, उसको मार्स गैस भी बोला जाता है और गोबर गैस भी उसको बोला जाता है. बेसिकली बायोगैस जो है इट कंटेन, बायोगैस कंटेन कंटेन 50 to 70% मीथेन, ठीक है. और CH4 में उसको बोल रहे हैं कॉमन 30 to 40% CO2 एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है. लेकिन वो कैसे होंगे? गैस अमाउंट होंगे, माइनर अमाउंट के अंदर होंगे बेसिकली. तो माइनर अमाउंट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होंगे दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट बेसिकली या स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है. तो मैक्सिमम जो है वो इसका अमाउंट है इसमें मीथेन का और CH4 का बेसिकली. बायोगैस is commonly known as गोबर गैस. गोबर गैस because dung is used for the production of this gas, because dung is used for the production of this gas. इस गैस के प्रोडक्शन के लिए काउ डंग या डंग यूटिलाइज किया जाता है, इस वजह से क्या है इसको गोबर गैस भी बोला जाता है कॉमनली. तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. तो यहाँ पे परसेंट को ध्यान रखना है कि कौन कितने परसेंट में मिलता है. व्हाई इट इज नोन एज द गोबर गैस, ठीक है. सेकेंड, द माइक्रोब्स विच यूज इन बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है. तो माइक्रोब्स जो होंगे दे आर मिथेनोजेंस, मिथेनोकोकस, ठीक है, एंड मिथेनो बैक्टीरिया, जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, बायोगैस को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे. सेकेंड, माइक्रोब्स यूज इन मीथेन प्रोडक्शन, मीथेन और बायोगैस प्रोडक्शन, बायो गैस प्रोडक्शन, ठीक है. कौन कौन से? माइक्रोब्स, ठीक है. तो जो माइक्रोब्स है दे आर मिथेनोजेंस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, these all are the anaerobic bacteria, these all are anaerobic bacteria, bacteria which grows on the cellulosic material and perform the anaerobic digestion or anaerobic respiration to produce the methane gas. These bacteria, these bacteria
ग्रोज ऑन ऑन सेलुलोजिक मटीरियल, सेलुलोजिक मटीरियल एंड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन. Respiration. And ultimately produces the methane gas. ठीक है, जिसको हम गोबर गैस भी बोल रहे हैं, स्वयं गैस भी बोल रहे हैं. थर्ड स्टेप इज इंस्ट्रूमेंटेशन. कि जो बायोगैस प्लांट है उस बायोगैस प्लांट के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ बायोगैस प्लांट. इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट तो बायोगैस प्लांट बनाने के लिए एक कंक्रीट और ब्रिक्स का बना हुआ एक एयर टाइट सिलेंड्रिकल टैंक प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर दो पिट्स इंक्लूडेड होती हैं और एक फ्लोटिंग गैस होल्डर प्रेजेंट होता है. This is a gas holder जो कि उस मीथेन गैस को होल्ड करके रखने का काम करेगा और स्टोर करने का काम करेगा. इसमें एक आउटलेट लगा होगा जो कि इस मीथेन गैस को बाहर की साइड सप्लाई करने का काम करेगा. गैस होल्डर, दिस इज द एयर टाइट सिलिंड्रिकल ब्रिक्स लाइन टैंक जिसको हम डाइजेस्टर भी बोलते हैं. ब्रिक्स से लाइन का कॉन्क्रीट का बना हुआ है, इस टैंक के अंदर एक तो चार्जिंग पिट अप्लाई होता है और दूसरा रिमूवल पिट. एक को तो बोलेंगे चार्ज पिट, दिस इज चार्ज पिट. इसके थ्रू तो जो स्लैबी है ठीक है या डंग जो होगा उसको चार्ज किया जाता है ठीक है, इस डाइजेस्टर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है. दूसरा एक रिमूवल पिट होगा
स्लज रिमूवल पिट बोलते हैं इसको। This is sludge removal. This power or is the biogas plant. इसको तो बोल दिया था डाइजेस्टर है और एयर टाइट टैंक सिलिंडर टैंक This is charging pit. Charging pit basically. But this is the removal pit. Sludge removal pit. Removal pit basically. तो इसके थ्रू तो जो वेस्ट है ठीक है उसके रिमूव किया जाएगा। इस चार्जिंग पिट के थ्रू क्या है उस मेटल को चार्ज किया जाएगा डाइजेस्टर के पास और दिस इज द एनारोबिक डाइजेशन और बायोगैस प्रोडक्शन। यहां से क्या होगा माइक्रोबियल डाइजेशन चल रहा सेल वॉल में एनारोबिक एनारोबिक डाइजेशन ठीक है और रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और डाइजेशन के बेसिस पे क्या होगा यहां से मीथेनोजन जो होंगे वो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेंगे और मीथेन गैस जो होगी CH4 इसके अलावा CO2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन H2S etc. ठीक है तो दिस गैस इज होल्ड इन द गैस होल्डर बेसिकली ठीक है ये उस गैस होल्डर के अंदर होल्ड हो जाएगी। यहाँ से नॉब की हेल्प से जितना बायोगैस का रिक्वायरमेंट है ठीक है चाहे कुकिंग पर्पज में चाहे लाइटनिंग पर्पज में ठीक है एक्सेट्रा जिस पर्पज में जितने का रिक्वायरमेंट है वहां से उस नॉब की हेल्प से उसको रिलीज आउट करवा लिया जाता है बेसिकली ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ बायोगैस प्लांट ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर देखें तो सबसे मेन जो रोल प्ले कर रहा दैट इज द डाइजेस्टर टैंक। तो डाइजेस्टर टैंक जो है मैं यहां से इसको लिख भी देता हूँ डाइजेस्टर टैंक का डाइजेस्टर टैंक ये है क्या इट इज एयर टाइट सिलिंड्रिकल टैंक टैंक मेड अप ऑफ एक
मेड अप ऑफ कंक्रीट कंक्रीट एंड लाइन बाय बाय ब्रिक्स इट कंटेन जो डाइजेस्टर टैंक होगा इट कंटेन द चार्जिंग पिट इट कंटेन वन चार्जिंग पिट पिट बाय विच डन इट चार्ज डन और स्लरी By which dung and water is charged in the digester. Thank you. ठीक है तो इस charging plate की हेल्प से तो क्या हो गया dung और water जो है dung प्लस वाटर इसको चार्ज किया जा रहा है इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर दूसरा स्लज रिमूवर बाय दिस पिट स्लज Or manure is removed from the digester tank. Digester tank is floating gas holder. It is made up of metal. ये मेटल का बना हुआ है मेटल इट स्टोर द इट स्टोर्स और होल्ड द गैसेस लाइक CH4 हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड H2S इसके ऊपर एक प्रेशर गेज लगा होगा दिस इज प्रेशर प्रेशर ठीक है जबकि उस प्रेशर को मीजर करने का काम करेगा ठीक है तो इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर वो एनारोबिक प्रोसेस चलता है नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एनारोबिक डाइजेशन बेसिकली और फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस ठीक है तो दिस ओवरऑल वाज द इंस्ट्रूमेंटेशन Instrumentation first digester tank, second removal pit, third a charging pit, fourth gas holder, and fifth is pressure gauge. Next is process of biogas formation or anaerobic digestion or respiration. रेस्पिरेशन है वो एयर टाइट जो डाइजेस्टर टैंक है उसके अंदर होगा ठीक है और परफॉर्म करेंगे मीथेनोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोगैसेस और प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस anaerobic respiration ठीक है ये जो उस डाइजेस्टर टैंक के अंदर इट अकर इन इट अकर इन एयर टाइट डाइजेस्टर टैंक बेसिकली डाइजेस्टर दूसरा थिंग इट इज डन बाय
डन बाय मीथेन जेल्स और मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज और मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज उसका जो प्रोसेस है प्रोसेस में क्या है सेलुलोजिक जो मटेरियल है डंग के अंदर सेलुलोज जो कि क्या है पॉलीमर है पॉलीमर इन डंग जो डंग है वो डंग के अंदर जो सेलुलोज जो कि पॉलीमर फॉर्म है इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन है एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस बेसिकली एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस डन बाय बैक्टीरिया बाय बैक्टीरिया ठीक है तो सेलुलोज जो ये कन्वर्ट हो जाएगी तो पॉलीमर है सेलुलोज तो माइक्रोब्स क्या करेंगे एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसको सॉल्युबल मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे सॉल्युबल मोनोमर्स मोनोमर्स बेसिकली और सॉल्युबल मोनोमर्स जो है दे आर सब्सट्रेट फॉर द ऑर्गेनिक एसिड दिस इज द सब्सट्रेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिक दिस ठीक है माइक्रो उन बैक्टीरिया के लिए सब्सट्रेट है रिजल्टेंट द माइक्रो ऑर्गेनिक और बैक्टीरिया कन्वर्टेड सॉल्युबल मोनोमर इनटू द ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली दिस कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स मोस्टली एसिडिक ठीक है और ये एसिड जो होगा ये मेथनोजेनिक जो बैक्टीरिया है उसकी हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन गैस के अंदर सब्सट्रेट फॉर मीथेनोजेन्स इट इज सब्सट्रेट या फाइनल सब्सट्रेट इट इज फाइनल सब्सट्रेट फॉर मीथेनोजेन मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया convert organic acid into gas into methane gas or biogas उसमें convert करती है ठीक है this organic acid is converted into biogas और बायोगैस हमें पता है कि ये मिक्सचर ऑफ मीथेन भी था इसमें CO2 था हाइड्रोजन भी था नाइट्रोजन भी था एज वेल एज H2S भी ठीक है तो इस बायोगैस को फर्दर यूटिलाइज कर लिया जाता है कुकिंग पर्पज में और लाइटिंग पर्पज ठीक है दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ मीथेन या बायोगैस फॉर्मेशन बेसिकली ठीक है और एनारोबिक डाइजेशन और रेस्पिरेशन नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस और द यूज ऑफ बायोगैस और एडवांटेज ऑफ बायोगैस
यूज और एडवांटेज ऑफ बायोगैस, तो उसके डिफरेंट एडवांटेज है। इसको लाइटिंग पर्पज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको कुकिंग पर्पज में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंट सोर्स है फ्यूल का या एनर्जी का बेसिकली, ठीक है। आफ्टर द एनारोबिक डाइजेशन जो रिमेनिंग मटीरियल रहेगा दैट इज यूज इन एग्रीकल्चर एज ए मैन्योर बेसिकली, ठीक है। सिग्निफिकेंस इज फर्स्ट, इट इज द एफिशियंट सोर्स ऑफ बायोगैस, इज द एफिशियंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी। दूसरा थिंग्स, बायोगैस इज यूज इन cooking and lighting purposes. Third, it can be a store for future use, a store for future use. फोर्थ जो सिग्निफिकेंट है, इसका एडवांटेज है जो रेजिड्यूस बायोगैस का, ठीक है, यूज इन एग्रीकल्चर एज ए मैन्योर बेसिकली, द रेजिड्यू ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, बायो गैस प्रोडक्शन इज यूज इन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एज ए मैन्योर, एज ए मैन्योर वो मैन्योर की तरफ से यूटिलाइज किया जाता है। दूसरा जो बचता है लास्ट में, ठीक है। एक और चीज है टेक्नोलॉजी, ये वायरस का जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर, इट इज मेनली डेवलप्ड बाय द IARI एंड KVKC, ठीक है। वो कई बार लीक के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि बायोगैस प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया था वो किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज डेवलप बाय IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस, एंड केवी, केवी इन द सेंस खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन बायोगैस प्रोडक्शन इज मेनली डेवलप्ड बाय इन प्रोडक्शन इन इंडिया, इन इंडिया इज मेनली डेवलप्ड बाय, मेनली डेवलप्ड बाय IARI, IARI एंड KVK, ठीक है। इसका परफॉर्म क्या है, IARI का परफॉर्म क्या, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट क्योंकि केविक का परफॉर्म जो है दैट इज खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो इन्होंने इसको मेनली इंडिया के अंदर डेवलप किया, IARI एंड KVK, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो दिस ओवरऑल वाज़ द बायोगैस प्रोडक्शन,
बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे यूज ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। थैंक यू।